हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट TVF एस्पिरेंट्स एपिसोड 4। जब ये शो शुरू हुआ था तब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं आज जिस कैरेक्टर के बारे में बात करूँगा ये सिर्फ मेरे लिए कैरेक्टर नहीं बल्कि मेरी पूरी लाइफ बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ संदीप भैया की, जो कि इस शो के एक साइड कैरेक्टर या तो कह सकते एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन एपिसोड 4 के बाद इनके साथ जो एक हमारा इमोशनली कनेक्शन बना है, उसके बाद सारे मेन कैरेक्टर्स एक तरफ और संदीप भैया का कैरेक्टर एक तरफ, और इनकी स्टोरी सुनने के बाद ऐसा लगता है किसी ने दिल में अपने खंजर घोंप दिया हो यार। उस वक्त जो मैं फील कर रहा था, जो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। और वो एक पोर्शन है एपिसोड 4 में जहाँ पर संदीप भैया अपने लाइफ के बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे, अपनी फैमिली के बारे में बता रहे, उस सेक्शन में कहे गए हर एक शब्द आपके कानों में गूंजेंगे, मतलब आप सो नहीं पाओगे यार। लिटरली मैं रात भर यही चीज़ सोचा था कि अब आगे संदीप भैया के साथ होगा क्या, वो सुसाइड करेंगे या UPSC को क्लियर करेंगे। और ये चीज़ मुझे रात भर सोने नहीं दिया, क्योंकि संदीप भैया ही वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अभिलाष, जो कि लाइफ में इतना डीमोटिवेट हो गया था, वो अपनी लाइफ को एक नेगेटिव अप्रोच से सोच रहा था, उसके पास कोई एक लक्ष्य नहीं था, लेकिन उस इंसान को जिंदा करने वाले, उसको मोटिवेट करने वाले संदीप भैया। और संदीप भैया के साथ अगर कुछ बुरा होगा तो मतलब वो हमारे साथ होगा, क्योंकि कहने को वो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि आप लोग ये फील कर रहे हो अंदर से कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा भाई है, या हम ही है वो कैरेक्टर। और इसीलिए अगर इसके साथ कुछ बुरा होता तो मतलब हमारे साथ होता है। तो मैं TVF वालों को इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़ संदीप भैया के साथ जो अब हमारा एक इमोशनल कनेक्शन बन चुका है, इसको टूटने मत देना प्लीज़। किसी भी तरह से संदीप भैया के साथ एंड में सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। खैर, उसके अलावा शो का BGM बहुत अच्छा है, जो सेम वक्त आपको इमोशनल भी फील कराता है और उसी वक्त आपकी लाइफ में कुछ कर गुजरने के लिए कुछ मोटिवेट करता है। तो BGM के लिए हैट्स ऑफ है यार। शो के डायलॉग्स अगेन बहुत ही डीप मीनिंग रखते हैं, और हर एक एपिसोड में आपको इतने अच्छे डायलॉग सुनने को मिले जो समझो तो बहुत कुछ है और ना समझो तो कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एपिसोड 4 में जब अभिलाष धैर्य को टॉम एंड जेरी के बारे में बताता है, तो वहाँ पर वो कहता है कि जेरी सर्वाइवल के लिए लड़ता था और उसके पास कोई प्लान भी नहीं था। ये डायलॉग इतना डीप मीनिंग रखता है कि वर्ड्स नहीं होते। और जब डीप मीनिंग की बात आ गई है, तो एपिसोड 4 के एंड में जब जहाँ पर प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आ रहे थे, तो उस वक्त बारिश हो रही है और गुरी, SK और धैर्य, इन तीनों के पास अम्ब्रेलास थे, लेकिन अभिलाष और संदीप भैया के पास नहीं थे। तो ये सीन कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि भाई SK, गुरी और धैर्य के पास प्लान भी था, इसके लिए उनके पास अम्ब्रेला भी है। संदीप भैया और अभिलाष के पास प्लान भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके पास अम्ब्रेला भी नहीं है। तो मतलब आप एक इस नज़रे से इस पर्टिकुलर सीन को देख सकते हो। और इसी सीन में संदीप भैया, जो कि इतनी बारिश हो रही, लेकिन उस बारिश में भी वो अपने आंसू को छुपा नहीं पाए हमसे, और कहीं ना कि वो एक ऐसा सीन है जहाँ पर मैं पूरी तरह से टूट गया और मेरे आंखों में आंसू आ गया। और उसके बाद वर्ड्स नहीं थे, इतनी देर तक तो मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर हो क्या रहा है यार। और फाइनली संदीप भैया के कैरेक्टर को निभाने वाले सनी हिंदुजा को मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई तुमने उस कैरेक्टर को सिर्फ प्ले नहीं किया, तुमने उस कैरेक्टर को जिया है, तुमने उस फिक्शनल कैरेक्टर को हमारे सामने स्क्रीन पर जिंदा किया है। और लास्टली मैं इतना ही कहूँगा कि यार आप जैसे टैलेंटेड एक्टर्स जो स्क्रीन पर किसी कैरेक्टर को जिंदा कर दे, वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और आई होप कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। और इस पर्टिकुलर शो में जो आपने हमको फील करवाया संदीप भैया के कैरेक्टर के थ्रू, यार थैंक यू सो मच सनी हिंदुजा सर। तो मैं बस आप लोग से इतना पूछना चाहता हूँ कि आगे संदीप भैया के साथ क्या होगा, अभिलाष के साथ क्या होगा। आपने उसके प्रेजेंट में देख लिया कि वो एक IAS ऑफिसर है, लेकिन पास्ट में उसके साथ क्या होगा वो मुझे ज़रूर बताना। और वो कौन सा ऐसा मोमेंट होगा एपिसोड 5 में जहाँ पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। और बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको TVF एस्पिरेंट्स ये शो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा तो ज़रूर जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द वायरल फीवर को, ताकि उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए और वो चैनल पे 5th एपिसोड हमको देखने को मिल जाए। क्योंकि यार यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, लेकिन कुछ ही ऐसे है द वायरल फीवर जैसे जो डिजर्व करते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।